तो कैसे हो दोस्तों, अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन या ऑनलाइन डिवाइस में आपने जीपीएस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जीपीएस क्या है और ये जीपीएस किस प्रकार से काम करता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस आमतौर पर एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल लोकेशन को जानने के लिए किया जाता है। आखिरकार जीपीएस कैसे काम करता है? आपके स्मार्टफोन या किसी भी जीपीएस यूनिट में एक जीपीएस रिसीवर होता है जो सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के अंतराल में घूमने वाली सैटेलाइट एक समय के बाद सिग्नल भेजती है। इन सैटेलाइट में सिग्नल और उसके समय पहले से तय होता है। इन सैटेलाइट में समय की सही गणना के लिए ऑटोमेटिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी क्लॉक होती हैं जो लाखों सालों तक सही समय बता सकती हैं। इन क्लॉक के खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। जब इन सैटेलाइट के सिग्नल किसी जीपीएस रिसीवर के संपर्क में आते हैं तो रिसीवर उन सिग्नलों को लीड करता है और रिसीवर को ये पता लग जाता है कि सिग्नल जिस सैटेलाइट से भेजे गए हैं वे कितनी दूरी पर स्थित हैं। अगर आपका डिवाइस 4 या 4 से ज्यादा सैटेलाइट सिग्नल प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो आपको आपकी करंट लोकेशन पता चल जाती है। एक नॉर्मल जीपीएस डिवाइस जिसका इस्तेमाल काफी समय से नहीं किया है वे भी अपने लोकेशन को दिखाने में 15 से 20 मिनट का समय लेता है, लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपकी लोकेशन कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगी। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोबाइल फोन में एज जीपीएस यानी असिस्टेंट जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जीपीएस का ही एक रूप है और ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोकेशन का जल्दी पता लगा लेता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जीपीएस क्या है और जीपीएस किस प्रकार से काम करता है, हमें करंट लोकेशन किस प्रकार से दिखाई जाती है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।